हेलो एवरीवन, आज हमारी इस वीडियो का टॉपिक है वर्किंग ऑफ ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर कैसे काम करता है? जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर एक ड्रम यूज किया जाता है जिसके सतह के ऊपर आपके अक्षर या कैरेक्टर्स उभरे हुए होते हैं। इसके अंदर हेड, रिबन और हैमर यूज किया जाता है। इसकी सतह पर जो कैरेक्टर्स उभरे हुए होते हैं वो नंबर ऑफ ट्रैक्स में डिवाइड होते हैं, क्योंकि जो उसकी सतह है ड्रम की वो नंबर ऑफ ट्रैक्स में बटी होती है जिसमें अक्षर आपके उभरे हुए होते हैं। ये देखिए, इसके अंदर जो ड्रम है उसके ऊपर अक्षर इस तरह से उभरे हुए होते हैं और हर अक्षर का एक ट्रैक बना हुआ है। ट्रैक जो होते हैं वो पेपर के साइज के बराबर होते हैं। जैसे कि पेपर की विड्थ अगर 80 अक्षरों की है या 80 कैरेक्टर्स की है तो ड्रम के ऊपर 80 कैरेक्टर्स होंगे, और यदि ड्रम के सरफेस पर आपके 132 कैरेक्टर्स हैं तो उसके सरफेस पर ट्रैक भी 132 होंगे। ड्रम जो है वो बड़ी तेज गति से घूमता है और वर्टिकली रोटेशन में घूमता है। जो लाइन प्रिंट होनी होती है उसके सभी अक्षर एक साथ जैसे ही प्रिंट पोजीशन पर आते हैं तो उनके सामने जो हैमर्स लगे होते हैं वो एक ही टाइम पर एक साथ जोर से स्ट्राइक या हिटिंग करते हैं इंक रिबन और पेपर पर। इस तरह एक लाइन के सभी अक्षर एक साथ कागज पर छप जाते हैं। ड्रम जब एक रोटेशन पूरी करता है तो वो एक लाइन प्रिंट करता है। ड्रम प्रिंटर के अंदर अलग अलग प्रकार के अक्षरों का सेट या कैरेक्टर सेट जो है वो यूज किया जाता है। जैसे 48 कैरेक्टर सेट का ड्रम हो सकते हैं, या 64 कैरेक्टर सेट हो सकते हैं, या 96 कैरेक्टर सेट हो सकते हैं। ड्रम प्रिंटर की स्पीड काफी तेज होती है और ये केवल टेक्स्ट को प्रिंट कर सकते हैं, इनमें कोई ग्राफिक्स या इमेजेस प्रिंट नहीं हो सकती। लेकिन इसके अंदर एक ही दिक्कत आ सकती है कि अगर हैमर एक साथ एक टाइम पर स्ट्राइक नहीं करते हैं, उसमें हल्की सी भी देरी हो जाती है तो ये वेवी प्रिंटिंग का कारण बन सकती है। ये देखिए, ड्रम प्रिंटर में जो ड्रम यूज होता है वो इस तरह से होता है और ये देखने में इस तरह से दिखाई देते हैं ड्रम प्रिंटर। गाइज, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।